रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा। प्रदेश के उज्जैन से ब्लैकमेलिंग का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक महिला ने फेरी लगाकर चूड़ी बेचने वाले को पहले अपने घर बुलाया, फिर उसके साथ अश्लीलता की और वीडियो बनाकर उससे 10 लाख रुपए की मांग कर दी। पैसे ना देने पर महिला वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगी। जानकारी कहती है कि उज्जैन के सिंधी कॉलोनी निवासी गली नंबर 3 में रहने वाली नमिता नायक ने मिल्कीपुरा निवासी शमसुल, जो फेरी लगाकर चूड़ी बेचने का काम करता है, पहले उसे अपने घर बुलाया और उसके साथ अश्लीलता की। इसी बीच महिला के 2 अन्य साथी विशाल और सलीम ने इस पूरी अश्लीलता का वीडियो बना लिया। इसके बाद महिला के साथियों ने चूड़ी वाले से 10,000 रुपये भी ऐंठ लिए और करीब 10 लाख रुपयों की मांग करने लगे। लेकिन उस चूड़ी वाले के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह 10 लाख रुपये दे सके। हालांकि महिला और उसके ठग गिरोह ने गरीब चूड़ी वाले से 1,20,000 रुपये में सौदा तय किया और 1,20,000 रुपये ऐंठ लिए। इस पूरे मामले में पीड़ित ने महिला और उसके अन्य साथियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ठग गिरोह की सरगना महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। मौके पर मौजूद थे तो उस आवेदक का कहना है कि उन दोनों व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की और उसके कपड़े उतार दिए और महिला के साथ में उसके आपत्तिजनक वीडियो बना दिए, और उसके बाद वीडियो बनाने के बाद उक्त व्यक्ति जो है, महिला और उसके जो साथी हैं, उन लोगों ने 10 लाख रुपए की मांग की। तो वो 10 लाख देने में असमर्थ हुआ, तो करते करते वो 1,20,000 पे आए और उस व्यक्ति को वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया। और उसको छोड़ने के बाद में वह व्यक्ति रात के समय थाने पे आया था, जिस पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की है। उक्त जो महिला है उसको सिंधी कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है और उसके दो तीन जवान साथी हैं, उनकी तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।